हेलो गाइस, तो आ गई हूँ मैं एक नई वीडियो और लेके आपके लिए, जो फिर से है एक फ्रोज़न फूड की। अगेन मैं रिलायंस मार्ट गई थी और अगेन मैंने एक फ्रोज़न फूड देखा जो था चीज़ कॉर्न नजेट्स। नजेट्स तो हम सबको ही पसंद है, डोमिनोज से ऑलमोस्ट सब ऑर्डर कर लेते हैं, पिज़्ज़ा हट से सब ऑर्डर कर लेते हैं, पर ये मुझे जो मिला है पैकेट रिलायंस मार्ट के अंदर वो है यमीन्स का। हालांकि मैंने इसका कभी ब्रांड का नाम नहीं सुना है, बट मुझे ट्राई करना था और एक वीडियो शूट करनी थी तो मैं ये ले आई। ओके, गोदरेज यमीज वेज रेंज चीज़ कॉर्न नजेट्स। ये चीज़ कॉर्न नजेट्स हैं अगर आप देख पा रहे हो तो, और वेज है, कॉर्न तो वेज ही होता है, ठीक है। ये 400 ग्राम इसका नेट वेट है और 230 रुपीज़ इसका मुझे प्राइस पड़ा है, ठीक है। 400 ग्राम वेट, 230 मुझे इसका प्राइस पड़ा है। और इसको बनाने के तरीके भी इन्होंने दे रखे हैं, तीन वेज हैं इसको बनाने के, थ्री वेज आ गए। एक तो है डीप फ्राई, भाई आप कढ़ाई में या फिर पैन में तेल गरम कर लो और उसमें इनको फ्राई कर लो, वो तो हो जाएगा डीप फ्राई, पहला स्टेप ये है। और जो दूसरा इसका तरीका है वो है हल्का सा, मतलब कोई भी पैन में आप ऑयल लगा लो और इनको रख दो, और जैसे जैसे ये थोड़े गोल्डन ब्राउन होते जाएं देन इनको आप टर्न करते रहो। और थर्ड है इसका एयर फ्रायर, एयर फ्रायर होता है उसमें 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको प्री हीट करना है 8 से 10 पीसेस को, ठीक है। ओके, 4 मिनट्स के लिए करना है, बेकिंग भी हो जाता है इसमें, बेक भी आप कर सकते हैं, और देन केचप लगा के टेस्ट लेके खाओ, ठीक है। चलो तो ट्राई करते हैं। और इसमें जो दे रखे हैं न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या है कि एनर्जी इसके अंदर कितनी है, 194.19 कैलोरीज, और टोटल कार्बोहाइड्रेट 28.9 ग्राम। शुगर इसके अंदर नहीं है, विच शुगर नहीं है, और प्रोटीन 2.39 ग्राम, टोटल फैट 7.67 ग्राम, टोटल सैचुरेटेड फैट 3.40 ग्राम, ठीक है। ओके, तो ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसा है टेस्ट में, आपको ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पैसा वसूल भी है या वही है। चलो तो चीज़ कॉर्न नजेट्स, आज ये मेरे यमीस के चीज़ कॉर्न नजेट्स। अब इस पैकेट को मैं खोल के आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर कैसे नजेट्स निकलेंगे, ठीक है। ओके, तो मैं इसको खोल देती हूँ। ये ऐसा पैकेट आया है, इसके अंदर ऐसे नजेट्स हैं ट्रायंगल शेप के। इसको हम डीप फ्राई भी कर सकते हैं, इसको हम एयर फ्राई भी कर सकते हैं, और इसको हम किसी पैन पे ऑयल लगा के ऐसे सेक भी सकते हैं। तो मेरे पे पैन तो नहीं था, तो मेरे पे तवा है, और मैंने एक तरफ अपनी कढ़ाई रख दी है और एक तरफ मैंने तवा रख लिया है, और मैं दोनों पे आपको करके बताऊंगी कि कौन सा दी बेस्ट है, कौन से में अच्छा अच्छे से फ्राई हो रहा है, अच्छा नहीं रह रहा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आ जाइए। देखिए, यहाँ मेरा तेल गर्म हो रहा है एक साइड पर, एक साइड मैंने अपना तवा रख लिया है, ठीक है। मैं दोनों पे आपको करके दिखा दूंगी। इस पर अपना ऑयल, बटर, जो भी घी भी लगा के आप फ्राई कर सकते हैं, हल्का हल्का सेक सकते हैं, और इसमें आप डाल के इसको सेक सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ये रहे मेरे नजेट्स। अब ये सबसे पहले मैं डाल रही हूँ कढ़ाई के अंदर, थोड़ा सावधानी से आप डालिएगा। चार मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिए हैं अपने, और जैसे ये फ्राई हो जाते हैं मैं आपको इनकी कंडीशन दिखाऊंगी। मैंने तवे पे भी हल्का सा घी लगा के तैयार कर लिया है, और मैं एक दो नजेट्स इस पर डालूंगी, ठीक है। देख, और ये अदर साइड मेरे ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ये बाहर का म्यूज़िक आप अवॉइड करना, हमारे यहाँ इलेक्शन आ रहा है तो उसके वोट के लिए ये सब म्यूज़िक चल रहा है। हालांकि सब जगह पार्षद का इलेक्शन होगा, हमारे यहाँ पे है। तो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ये, अब मैं इनको एक पैन में निकाल दूँगी, एक प्लेट में निकाल लूँगी, सॉरी मैं।
और फिर मैं आपको टेस्टिंग करके इसकी बताती हूँ कि ये कैसे लगते हैं। चलो मैं इनको निकाल लेती हूँ। पहले जो तवे वाला मेरा प्रोसीजर था इसको टेस्ट करने का, वो मेरा फेल हो चुका है। तो गाइस ये कच्चे के कच्चे ही हैं अभी, इस पर मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैं इनको निकाल के दोबारा से कढ़ाई में ही डालूंगी अपनी, और जब फ्राई करके इसको टेस्ट करेंगे। टेस्टी, बढ़िया है, मज़ा आ गया। सबको लिखाने चाहिए नहीं खाने चाहिए ये बता दो। सबको खाना चाहिए और लीजिए, अपनी बीवी पे बनवाइए। ठीक है जी, ये पास हो चुके हैं और आप सब अब ये खरीदो और बढ़िया बना के